हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तड़का दाल। दाल हमारे सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। तो चलिए, बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। ये मैंने लिए 1 कप मूंग की दाल, इसे 1 घंटे पानी में भिगो के अच्छे से धो लिया है। ये लिए चने की दाल, इसे भी 1 घंटे पानी में भिगो के अच्छे से धो लिए हैं। ये लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनको अच्छे से बारीक काट लिया है। ये लिए 2 हरी मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। धनिया पाउडर, ये लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे बारीक कूट लिया है हमने। मिर्ची पाउडर, ये हमने लिए 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और राई तड़के के लिए। ये हमने लिया हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार और चुटकी भर हींग। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं दाल बनाना। के लिए सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे अच्छे से। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें डाल देते हैं हमारी दाल। इसी में डाल देते हैं हम लगभग 2 गिलास पानी, जिसमें अच्छे से दाल हमारी बॉईल हो जाए। और साथ ही में इसमें डाल देते हैं हम एक छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे हमारे दाल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको ढक के 4 से 5 सीटी आने तक हम पकने देंगे। तो फिर इस दाल में हमने 2 से 3 सीटी लगा ली है, इसका प्रेशर पूरा निकाल लिया हमने। दाल हमारी चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी एकदम बॉईल हो गई अच्छे से। देखिए इस तरह की दाल ही चाहिए थी हमें। अब दाल हमारी बॉईल हो चुकी है, अब दाल बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं राई और जीरा। राई और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। राई और जीरा अच्छे से तड़क गया है, तो इसमें डाल देते हैं हमारी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई कर लेंगे हम तेल में 2 से 3 सेकंड के लिए। मिर्ची हमने फ्राई हो गई है, इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज, इनको भी अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। साथ ही में डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज और हरी मिर्च दोनों अच्छे से भुन गए, तो इसी में डाल देते हैं हम चुटकी भर हींग। साथ ही में डाल देते हैं 2 साबुत लाल मिर्च, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। साथ ही में डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर भी हमारे मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं हमारे सूखे मसाले। सबसे पहले हम डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं आप। और दाल को बॉईल करते हुए भी हमने नमक डाला था, इसलिए ध्यान रख के डालें। 1 चम्मच डाल देंगे हम धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच। 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही में डाल देते हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये भी हमने दाल को बॉईल करते हुए डाला था, तो कम ही डालना है हमें। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, सब्जी सारी हमारी अच्छे से भुन गई है, तो इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा गरम मसाला और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल देते हैं हम हमारी बॉईल की हुई दाल, जिसको हमने बॉईल करके रख लिया था। दाल को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही अच्छी दाल बन के तैयार हुई है हमारी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है हमने। तो हम दाल को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ढक के इसको पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट के लिए हमने दाल को पका लिया है ढक के। अब ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं हमारी दाल। दाल हमारी एकदम पक चुकी है, ये देखिए एकदम तैयार है दाल हमारी। तो अब हम दाल के लिए बना लेते हैं तड़का, क्योंकि हम तड़का दाल बना रहे हैं तो तड़का जरूरी है। तो दाल को एक साइड में रख देते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ 2 चम्मच तेल ले लिया है, 2 छोटे चम्मच तेल लिया है हमने। यहाँ आप घी का यूज भी कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं हम जीरा, चुटकी पर डाल देते हैं हम हींग, साथ ही में थोड़ी सी हम कलर के लिए डाल देते हैं लाल मिर्च। तड़का हमारा बन गया है तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये दाल में डाल देते हैं हमारा तड़का। तो देखिए फ्रेंड्स दाल हमारी बनके तैयार हो गई है, तड़का भी लगा दिया है हमने। तो अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तड़का दाल बनके तैयार हो गई है हमारी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो गई है और फुल प्रोटीन पाया जाता है इसमें, ये इसलिए हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही कम ऑयल का यूज किया हमने इसको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।